आज चाइल्डलाइन की सिटी कोऑर्डिनेटर रेखा एवं दिलशाद ने एक 7 वर्षीय बालक को बाल कल्याण समिति की मीटिंग में प्रस्तुत किया। बाल कल्याण समिति सदस्य बिमल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि बालक रतलाम का रहने वाला है एवं उसका मामा उसको कोटा रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया, जिसको RPF ने संरक्षण में लिया और चाइल्डलाइन को सपोर्ट किया। समिति सदस्य अरुण भार्गव, आबिद हुसैन अब्बासी एवं बिमल जैन ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुए उत्कृष्ट संस्थान में आश्रय दिया और निर्देश दिया कि रतलाम चाइल्डलाइन एवं पुलिस को सूचना डाले ताकि बालक के माता पिता का पता लगाया जा सके। इसको रतलाम से उसके मामा कोटा लेकर आए और कोटा में छोड़ गए। RPF पुलिस ने उसको दस्तयाब किया, उसके बाद चाइल्ड लाइन को बुलाया। चाइल्ड लाइन ने उस बालक को यहाँ पेश किया। बालक की उम्र करीब 7 साल के आसपास है। उसको जब बातचीत करी तो संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। उस पर आबिद अब्बासी सदस्य बाल कल्याण समिति एवं विमल जैन सदस्य बाल कल्याण समिति ने संयुक्त रूप से निर्णय लेकर बालक के सर्वोत्तम हित को देखते हुए शेल्टर होम में संरक्षण दिया गया। बालक के इस बारे में जांच की जाएगी, उसको किस स्थान से दिया। बालिका को चाइल्डलाइन की रेखा और दिलशाद लेकर आइए और बालक को जिस तरह से छोड़ कर गए स्टेशन पे, उसकी पूरी जांच की जाएगी कि बालक को उसके मामा के छोड़ कर गए, इसे माता पिता नहीं है, इस तरह जो निराश्रित बालक मिला है, इसकी पूरी जांच करने के बाद उसके सभी निर्णय।